सभी बोलते हैं कि अपने अंतर मन की आवाज सुनो, क्योंकि अंतर मन हमारे गुरु की आवाज होती है। और मैं भी यही कहती हूँ, पर कई बार बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि बहुत सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी हम अपने अंतर मन की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि चारों तरफ इतनी अशांति है। तो मैं रेखा मल्होत्रा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड साथ ही साथ फाइनेंशियली भी। और अगर नहीं भी है तो आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर आप अपने आप को ठीक करने के कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज की मेरी इस वीडियो में हम लगाने जा रहे हैं ध्यान। तो अगर आपका गुरु वीक है, यानी कि आपके लग्न चार्ट में एस्ट्रोलॉजिकली आपका जुपिटर वीक है, या फिर आप अपने अंतर मन की आवाज के साथ नहीं जुड़ पाते, नहीं कनेक्ट हो पाते कितनी भी कोशिशों के बावजूद भी, उस केस में भी और अदरवाइज भी, जब हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि आज की जो मेरा ध्यान होने वाला है उसमें मैंने बहुत ही पावरफुल मंत्रा का उच्चारण किया है। यह मंत्र आपको, आपके गुरु को जो है स्ट्रांग करेगा, और जब आपका गुरु स्ट्रांग होगा तो आप अपने अंतर मन की आवाज, यानी कि जो आपका गुरु आपके अंदर है, उसकी जो गाइडेंस आपको मिलेगी उससे जुड़ पाएंगे। एंड माय डियर सोल फैमिली, जिस दिन आप अपने अंदर विराजमान गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, जो कि हमें परम ब्रह्मा के साथ मिलाते हैं, जिस दिन आप उनके साथ जुड़ गए तो फिर आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको आगे ही रोशनी का रास्ता आपके लिए खुलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। गुरु का काम ही यही है, गुरु हमारे अंधकार को खत्म करके हमें रोशनी की तरफ आगे लेकर जाते हैं। तो आज का ये ध्यान आपको एक अवसर दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके इस ध्यान को लगाइए, साथ ही साथ इस बहुत ही पावरफुल मंत्र का उच्चारण भी कीजिए। अब वो आपकी इच्छा होगी कि आप वोकली करना चाहते हैं या बिल्कुल शांति से बैठकर करना चाहते हैं। पूरे विश्वास के साथ अगर आप इस ध्यान को करेंगे तो आप मुझे बोलने वाले हैं। मैं कुछ नहीं कहूंगी कि आपको कैसा एहसास हुआ, कैसा नहीं है या कैसा एहसास हो सकता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। इस बार आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। और एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, जो हमारा मन है ना बहुत ही चंचल होता है, तो वो एक चीज के साथ ना टिकने नहीं देता, बोरियत हो जाती है। इस ध्यान के साथ बिल्कुल बोर मत होइए, या मेरी कोई भी हीलिंग है उससे बोर मत होइएगा, और इम्पेशेंट भी मत होइएगा, धैर्य रखिएगा। क्योंकि जब आप धैर्य रखते हैं तो आपको और किसी भी चीज को लगातार कुछ टाइम देते हैं कि हाँ मुझे इस ध्यान को कुछ टाइम देना है। मैं नहीं कहूंगी एक बार ध्यान करने से आपका एकदम जिंदगी एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, या एक बार मेरी कोई भी हीलिंग वीडियो को फॉलो करने के बाद आपकी जिंदगी तो एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, नहीं होता। आपको अपने आप, अपने अंदर विराजमान गुरु के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, और वो गुरु ही आपको परम पिता परमात्मा के साथ मिलाएगा। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं ध्यान, पर मेरे को मेरा एनर्जी एक्सचेंज चाहिए। तो नीचे आप सभी गुरुओं को हमारे
ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को और महेश को, परम पिता हमारे महादेव को प्रणाम करेंगे और धन्यवाद करेंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं ध्यान, और मेरे साथ आप इस मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि कैसे धीरे धीरे यह ध्यान आपकी जिंदगी में कितना बदलाव लेकर आता है। पूरी तरह से समर्पित होते हुए और अपने आप को अपने इस ध्यान पर नहीं तो परमात्मा पर पूरा फेथ रखते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं आज के इस गुरु ध्यान को। धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में हम ध्यान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस ध्यान से आपका अपने अंतर्मन के साथ रिकनेक्शन होगा, जुड़ाव होगा और साथ ही साथ आपका गुरु ग्रह और मजबूत होगा, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में पूरा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा और एक दिशा भी आपके सामने पूरी क्लैरिटी के साथ मिल जाएगी। अब आप आंखें बंद करेंगे और एक गहरी श्वास लेंगे और मुंह के द्वारा छोड़ेंगे। अपना ध्यान अपने आसपास जिस भी जगह पर आप बैठे हैं चारों तरफ लेकर जाएंगे उसके बाद अपनी पूरी चेतना को अपने सर की चोटी पर लेकर आएंगे और इमेजिन करेंगे, महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे या फिर इंटेंड करेंगे कि आपके सर की चोटी से सफेद रंग की ऊर्जा, चमकते हुए सफेद रंग की ऊर्जा जो कि ईश्वर की ऊर्जा है, आपके शरीर में प्रवेश होने के लिए तैयार है। अब आप मन ही मन में यह प्रार्थना करेंगे कि मैं इस ईश्वरीय ऊर्जा को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए और अपने कण कण में जाने के लिए, हर तरह के अंधकार को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। ये सफेद चमकते हुए रंग की ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा है जिसके शरीर में प्रवेश करते ही आपकी तन मन और आत्मा
पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और जैसे जैसे ईश्वर की ये सफेद रंग की ऊर्जा जिसे आप इंटेंड कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके शरीर के हर कण कण में, हर हिस्से में जा रही है, फैल रही है, वैसे वैसे आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने अंतर मन की गहराई में जाते जा रहे हैं। अब आप मेरे साथ इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ। जिस प्रकार का भी बदलाव आप जिंदगी में चाहते हैं, वो बदलाव आपकी जिंदगी में इसी क्षण से शुरू हो रहा है। इस मंत्र के उच्चारण के बाद कुछ देर तक आप एकदम शांति में बैठ जाएंगे और चाहे तो आप लेट भी सकते हैं, पर ध्यान रखिए आपने यह ध्यान आराम से बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए ही करना है। अब हम शुरू करते हैं इस मंत्र के उच्चारण को। धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके अंतर मन में विराजमान आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। परम पिता परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और इसी के साथ यही निवेदन करती हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ और सभी के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस का या सभी सेशंस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। और आपके ऊपर पूरे ब्रह्मांड की कृपा हमेशा बनी रहे। लिव लव हील।